Good afternoon to all of you. Oh, that's great, Irshad. Can you hear me? I can see many of my known persons coming in live. That's really great. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? थैंक यू रमाकांती. It is 3 evening, and I suppose I think I must start. Environmental education पे discussion करने के लिए एक घंटा मुझे लगता है थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा aware करने के लिए environmental education के लिए और कुछ चीज़ें फिर से दोहराने के लिए और कुछ नई चीज़ों को आपस में discuss करने के लिए मैं आपके साथ में हूँ. सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव हैं हम लोगों के लिए, जहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि एनवायरमेंटल एजुकेशन क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए. It is 3:01 in my watch. I'm starting. Hello and welcome once again to all of you, and thank you to Dr. Somu Singh sir, who has given me this opportunity to talk with you all on environmental education. सबसे पहले ये जानने का कोशिश करें environment क्या है. हमारे आसपास जो कुछ भी है, एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस और मी एंड इज अफेक्टिंग मी इज माय एनवायरनमेंट. गॉन आर द डेज व्हेन वी यूज टू से दैट एन इवेंट इज हैपनिंग माइल्स फार फ्रॉम मी इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी. वी आर सीइंग टुडे एज अ पेंडेमिक दैट हैज spread all over the world is not a phenomenon that occurred somewhere far, but it is spreading all over the world equally and affecting each one of us. So environment is something that is around us and is affecting us, is our environment. Basically isko alag alag tarikon se divide kiya jata hai, lekin samajhne ke liye एक क्लासिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा. दैट इज़ वन दैट इज़ गिवन बाय द नेचर टू अस इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसको फिजिकल और बायोटिक में हम लोग कई बार डिवाइड करते हैं. फिजिकल में लाइट, लैंड, एयर, हीट और ऐसी ही
नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, और बायोटिक एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो नेचुरली हम लोगों को नेचर के द्वारा मिले हुए हैं। द सेकेंड एनवायरनमेंट क्लासिफिकेशन इज द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, जिसको हम लोगों ने बनाया हुआ है, एंड मैनी अ टाइम्स इट इज़ कॉल्ड एज द मैन मेड एनवायरनमेंट। दो और एनवायरनमेंट जो अब बहुत इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं डिस्कस करने के लिए, जिसको कभी पहले एनवायरमेंटल एजुकेशन में बहुत स्पेस नहीं दिया गया था, वो है हमारा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आई वुड लाइक टू शेयर वन एग्जाम्पल। एक बहुत ही सीनियर मेंबर हमारे साथ एक मीटिंग में थी, और एनवायरमेंटल एजुकेशन के सिलेबस को रखना है कि नहीं रखना है इस पर बात हो रही थी। उन्होंने हमसे कहा, एनवायरमेंटल एजुकेशन में तो केवल पेड़ होते हैं और प्रदूषण होता है, इसमें और क्या होता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको छोटी ही क्लास में रखा जाए तो ठीक है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको समझ में आया होगा कि इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस बच्चों के लिए ही केवल नहीं है, बड़ों के लिए उससे कहीं ज़्यादा हो गया है। और ये कैसे हमारे साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, ये हम समझने लगे हैं। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके बेसिक कंपोनेंट्स कुछ होते हैं, जिसको बेसिकली लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर में डिवाइड किया गया है। लिथोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट दैट कंप्राइजेज ऑफ द अपर क्रस्ट और द लेयर ऑफ द अर्थ दैट कंप्राइजेज ऑफ द रॉकी मटेरियल। The hydrosphere is that part of the earth that comprises of the water. The atmosphere is the gaseous area around the earth, and the biosphere is that part of the earth and around earth that has life or that might have life. When I say it might have life, this is basically given an idea and a chance to think of about all those places on earth and around earth that can have habitation of human beings. Let us now talk about what is environmental education and why it is important. Environment ke bare mein janana aur environment mein jitni bhi processes ho rahi hain usko explore karna wo hame aana chahiye, aur in exploring ki process mein hame kuch problems milti hain. हम बाय डिफ़ॉल्ट उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या सॉल्व कर लेते हैं, तो हम उसमें ऐसे एक्शंस को सीख लेते हैं जिससे हम हमारे इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके हमारे अंदर ये स्किल्स आती जाती हैं कि हम कैसे अपने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से कोप अप कर सकते हैं। Basically, environmental education talks about this process, and this is something that goes on in the life, with slowly and gradually confronting the situations and examples. क्यों ज़रूरी है environmental education, थोड़ा सा ये समझें। Basically, हमें ये समझना चाहिए या ये हम समझें कि हम जो decisions लेते हैं और उन डिसीजंस से हमारे आसपास के वातावरण को जो उससे प्रभाव पहुंचता है, वो हमारे डिसीजन सही है या गलत, इसकी समझ विकसित करना। जिस दिन हम ये करना शुरू हो जाएंगे, तो स्लोली और ग्रेजुअली हम ये देखेंगे कि हमारे सारे एक्शंस एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो रहे हैं। फिर जैसे ही हम ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ जानने का कोशिश करते हैं। जब हम जानने का कोशिश करते हैं, तो बेसिकली हम एनवायरनमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, और नॉलेज जैसे ही हमारे अंदर आती है, तो हम उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये इम्प्लीमेंटेशन हमारे अंदर स्किल्स लाता है। और जैसे ही हम हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग से स्किल्स और नॉलेज ले आते हैं, ये हमारे अंदर एनवायरमेंटल विजडम को डेवलप करता है। इसलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है। भारत में एनवायरमेंटल एजुकेशन बहुत पुराना है, बहुत जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से।
It has been an integral part of our life. But sorry to say, we have forgotten those life. In my lecture today, I'll be talking about reviving all those cultures, strategies, and all those things that we have had been doing for long but have forgotten today. थोड़ा सा ये समझें कि एनवायरमेंटल एजुकेशन के पीछे कुछ प्रिंसिपल्स क्या हैं। एक सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो ये है कि एवरी वन ऑफ अस नीड द फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान। अभी इधर बीच जो हमने माइग्रेंट लेबर्स की कंडीशंस देखी, तो वहाँ पे हमें रियलाइज़ हुआ कि अभी भी हमारे यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं जिनके पास में ये अवेलेबल नहीं है। हम लोगों ने अपने अपने तरीके से उनको बहुत मदद करने की कोशिश की है, लेकिन क्या हमने कोई ऐसा सस्टेनेबल स्टेप उठाया जिससे कि हम ये जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड, क्लॉथ और शेल्टर का, उसको हम सस्टेन कर पाए। अगर हम एनवायरमेंटल एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो शायद हमें ये समझ में आएगा कि हम इन तीनों ही चीज़ को ख्याल रख सकते हैं, रखना चाहिए, जिससे कि हमारा सिचुएशन आगे अच्छा हो। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि कोई एग्जिस्ट करता है। हमारी सोसाइटी में, हमारे बिहेवियर में, हमारे एनवायरमेंटल बिहेवियर में हम लोग कई बार ये सोचते ही नहीं हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और हम उनको हटा देते हैं या उनके प्रति कोई नेगेटिव एक्शन लेते हैं। दिस एग्जिस्टेंस ऑफ बीइंग इज एन आइडिया एंड अ फाउंडेशन प्रिंसिपल बिहाइंड द एनवायरमेंटल एजुकेशन। हर एक प्राणी को रहने का उतना ही अधिकार है जितना हम उनके क्षेत्र में घुस करके खुद को रहने के लिए जगह बना रहे हैं। एक और फाउंडिंग प्रिंसिपल जो है वो ये है कि जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है और जो एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स इतना स्ट्रांगली इंटरमिंगल्ड हैं और जुड़े हुए हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जिस भी दिन थोड़ा सा भी प्रॉब्लम या इम्बैलेंस आता है तो हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम एनवायरमेंटल हजार्ड के रूप में हमारे सामने आ जाती है। वेदर इट बी द कंडीशन ऑफ द टिडर्स विद अस, द कंडीशंस ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और इट बी द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द सी वाटर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा पॉपुलेशन। पृथ्वी में कई जगहों पे तो पॉपुलेशन कम है, लेकिन हम अपने देश की अगर बात करें तो यहाँ पे जो जनसंख्या है वो जनसंख्या बहुत अधिक होती चली जा रही है, और क्योंकि इस जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए हमारे पास जो एनवायरनमेंट है और जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेस हैं वो फिक्स्ड है, उनको हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम उनको दिन प्रतिदिन अपने यूज़ के लिए घटाते चले जा रहे हैं। इससे प्रेशर पड़ रहा है हमारे एनवायरमेंटल रिसोर्सेज पे कि वो कैसे जो हमारे नेचुरल और एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं उनको हम बेस्ट यूज़ कर पाएँ। हमारी जो एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी है वो प्रेशर में है, एक समय में, एक लेंथ में, एक जगह में जो प्रोडक्शन है वो प्रेशर में है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। इसके कारण से और क्या समस्याएं आती हैं हम अभी इस पे डिस्कशन करेंगे। तो पॉपुलेशन इट्सेल्फ इज़ अ प्रिंसिपल रिगार्डिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, दैट इफ वी डोंट कंसिडर पॉपुलेशन एज टू बी इन टू द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन, इट विल बी समवेयर और द अदर अफेक्टिंग। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हम जब भी एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं, हम एनवायरमेंट से यूज़ की बात करते हैं,
रिसोर्सेज के कंजम्पशन की बात करते हैं, हमारे घर में ही कोई भी चीज़ अगर हो उसको यूज़ की बात करते हैं, तो उसके यूज़ को हमें ऐसे यूज़ करना है कि उसका यूज़ भी ऑप्टिमम हो और उसका यूज़ हम आगे भी कर सकें. एनवायरमेंटलिस्ट हैव गिवन दिस टर्म एज द सस्टेनेबल ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इकोलॉजिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अनदर प्रिंसिपल रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल एजुकेशन. हमें ऐसे एनवायरमेंट की, ऐसे कंज्यूमर्स की ज़रूरत है जो इस बात को समझें कि उनके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं, हम उनको बढ़ा नहीं सकते, उनको हमें ऐसे यूज़ करना ही होगा कि हम उसको आगे भी यूज़ कर सकें. साथ ही साथ एक और नया टर्म डेवलप हुआ है, सोशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आप मुझसे एग्री करेंगे कि इधर बीच जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें समस्या सबसे ज़्यादा उन लोगों को हुई है जिनके पास रिसोर्सेज की कमी थी. जिनके पास रिसोर्सेज थे उनको बहुत प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जिनके पास नहीं थे उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा. उनके पास खाने को नहीं था, उनके पास पहनने को नहीं था, उनके पास रहने को नहीं था, इनकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं था, इनके प्रति कोई पॉजिटिव रिएक्शन देने वाला नहीं था. तब हम लोगों में से ही लोग आगे आए और हम लोगों ने उनके लिए काम किया. लेकिन जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करें तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या सस्टेनेबल कंजम्पशन है वो सोशली कंज्यूमेबल ग्रुप्स सस्टेनेबली डेवलप कर रहा है कि नहीं. हमारे कंजम्पशंस हमारी सोसाइटी के सभी लोगों तक इक्वली पहुंच रहे हैं कि नहीं, और जो कंजम्पशन हो रहा है उससे हम किसी एक कंट्री को, किसी एक सोसाइटी को, किसी एक ग्रुप को हैम्पर तो नहीं कर रहे हैं. लेट मी शेयर विद यू दैट देयर आर मेनी कंट्रीज दोज हु डोंट और कांट और आर डेवलपिंग वीट वेरी लेस इन क्वांटिटी. दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द कंट्रीज लाइक इंडिया जहाँ पे गेहूँ होता है, और उनके यहाँ ब्रेड्स हमारे यहाँ के ही गेहूँ के जाने से होती है. पिछले 2 महीने से जब ये गेहूँ ट्रांसपोर्टेशन के ऑब्स्ट्रक्शन के बाद से नहीं जा पाया तो वहाँ पे ब्रेड्स का प्रोडक्शन, फ्लावर की अवेलेबिलिटी हैम्पर हो गई. यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि किस तरीके से हम और हमारे ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं. इट इज़ नॉट ओनली द कंट्री पीपल दोज हु आर डिपेंडेंट अपॉन अस, देर आर मैनी कंट्रीज दोज हु आर डिपेंडेंट अपॉन अस. And hence, there is a social responsibility of each one of us to think of about in this direction. And environmental education basically designs and devises those strategies by which the social sustainable development also takes place. Let us also talk about the basic goal of environmental education. सामान्य रूप से 3 ही गोल हैं. एक, हम जागरूकता फैलाना चाहते हैं उन सभी लोगों में जो जानते तो हैं, पहचानते तो हैं, लेकिन इस जानने का और पहचानने का कब और कैसे और कितना प्रयोग करना है ये उनमें जगाना है, ये अवेयरनेस उनके अंदर लानी है. और उनके अंदर हमें एक ऐसा पैशन डेवलप करना है कि वो अपॉर्चुनिटी ढूंढें, कि वो जब चाहे मौका मिले तो वो एनवायरमेंटल पॉजिटिव एक्शन ले सके. और यही चीज़ हमारे तीसरे गोल की तरफ हमें ले जाता है, दैट इज़ द चेंज्ड एनवायरमेंटल बिहेवियर. वी कैन ऑल्सो से दैट एज अ प्रो एनवायरमेंट बिहेवियर. सिंपल से एग्जांपल है, हम बहुत पहले से देते हुए चले आ रहे हैं, जब आप स्कूल से निकलिए तो अपने क्लासरूम्स के लाइट्स एंड फैंस ऑफ कर दीजिए, हम ये कर रहे हैं. लेकिन अब इधर बीच हम लोग जो देख रहे हैं, लाइट्स को ऑफ करना तो हम सीख गए हैं, लेकिन हमारे एयर कंडीशनर्स, हमारे रेफ्रिजरेटर्स, हमारे और अप्लायंसेस जिनको हम इन गर्मियों में शायद नॉनस्टॉप बहुत देर तक चला रहे हैं, उनको क्या हम
केवल जब हम हों तब प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं। बहुत ज़रूरी है कि इनको भी हम कंट्रोल करें। ऐसा क्यों? क्योंकि इनसे निकलने वाली जो गैसेस हैं वही हमारे एनवायरनमेंट को गर्म कर रही हैं। मैं अभी उन इश्यूज़ को डिस्कशन करूँगा जहाँ पे आप लोग अग्री करेंगे कि बहुत समय पहले हम बहुत आराम से अपने घरों में डेजर्ट कूलर चला करके रह लेते थे, लेकिन आज डेजर्ट कूलर भी काम नहीं कर रहे हैं। कारण उसका हम हैं। हमने ही हमारे एनवायरनमेंट को इतना बदल दिया है जहाँ पे उनकी कूलिंग हमें एहसास नहीं होती और हम अपने आप को डिपेंड करते चले जा रहे हैं एयर कंडीशनर्स पे। लेट अस टॉक अबाउट दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये जो हमारा हाथ है, ये हाथ को आप याद करें तो ये हाथ आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बताता है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द नॉलेज। उन सभी कॉन्सेप्ट्स, उन सभी वर्ड्स को हमें हमारे नोवाइस, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यंगस्टर्स, हमारे साथी, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं जिन्होंने उन कॉन्सेप्ट्स को अपने समय में शायद ना सुना हो लेकिन आज सुन सकते हैं, उनको हमें ये बताने की ज़रूरत है। दिस इज़ बेसिकली मेकिंग दम अंडरस्टैंड एंड हैव द नॉलेज अबाउट द एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स। द सेकेंड इज़ टू हैव द अवेयरनेस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। हमारे आसपास कई चीज़ें हो रही होती हैं, हमें उसके बारे में पता भी होता है लेकिन हम शायद उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेट अस सी एंड बी एक्टिव अबाउट इट। लेट अस बी अवेयर एंड लेट अस मेक ऑल अराउंड अस अवेयर अबाउट इट। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कैन डू इट एंड वी हैव टू डू इट। अब इसको करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है एटीट्यूड्स डेवलप करना, अभिवृत्ति विकसित करना। हमारे आप साथी जितने अभी मेरे साथ जुड़े हुए उनमें से मैं कई लोगों को जानता हूँ, वो आज भी कई ऐसी अभिवृत्तियाँ पॉजिटिव रखते हैं जो एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा रखती है। मैं इस वक्त भी आपके साथ में ज़मीन पे बैठ करके बात कर रहा हूँ। ज़मीन पे बात करना, ज़मीन पे बैठ करके खाना खाना, ज़मीन पे बैठ करके बहुत सारी और एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी एनवायरनमेंट को सपोर्ट भी करता है। आई एग्री, जिन लोगों के जॉइंट्स में पेन हो वो बहुत देर नहीं बैठ सकते, लेकिन अगर हम अभी से ही शुरू रखेंगे तो हम आगे भी बैठ पाएंगे। ये एटीट्यूड डेवलप करना कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये गलत है, ये सही है, ये होना बहुत ज़रूरी है। अब एटीट्यूड भी आ गया, अवेयरनेस भी आ गया, नॉलेज भी आ गया, लेकिन अब इसको करना कैसे, कैसे किया जाए इज बेसिकली द स्किल्स। स्किल्स इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि किसी भी कार्य को किया कैसा जाए। हम लोग बहुत कार्यों को जानते हैं लेकिन उसको करने का स्किल भी हमें होना चाहिए और हमें इसके लिए कोशिश भी करना चाहिए। जैसे मेरे घर में मैंने जितना भी मेरे घर छत का पानी बारिश में होता है या घर का जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको एक घर में ही 4x4 मीटर का बॉक्स ज़मीन में गड्ढा बना करके उसी में हम रखते हैं जिससे हमारा मैक्सिमम पानी एब्जॉर्ब होता है। ये जो गड्ढा बनाना है, ये गड्ढा कैसे बनाएं, ये स्किल है। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी हैं, जो हमें करनी हैं। ऐसे ही कई स्किल्स हैं जैसे कि हम लोग हमारे आसपास कौन से पौधे लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, हमारे घर में हम कैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारा घर गर्म नहीं हो, हमारा एनवायरनमेंट गर्म नहीं हो। मैं लोकल टू ग्लोबल के डिस्कशंस में आपके साथ में हूँ जहाँ पे मैं वो सारी छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो हम अपने घर में करते हैं, हम अपने घर में कर सकते हैं, हम अपने घरों में बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं लेकिन अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है या कम हो रहा है, हमें उसी को रिवाइव करना है। अब जब हमने अवेयरनेस ले आए, हमने नॉलेज ले आया, हमने एटीट्यूड्स भी डेवलप कर लिया, अब हम स्किल्स भी ले आए, अब हम ये देखें कि हमारा जो बिहेवियर है
वो हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो कितना एनवायरमेंटली पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है। ये जो एबिलिटी है इसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन एबिलिटी। ये हमारा एक लास्ट सेकेंड लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है एनवायरमेंटल एजुकेशन का, दैट इज़ दी इवैल्यूएशन एबिलिटी। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली है नहीं है, या हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं वो कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा नहीं होगा, दिस ऑल कम्स अंडर दिस ऑब्जेक्टिव। एंड द लास्ट वन इज़ द पार्टिसिपेशन। हम सब कुछ जानते हैं उसके बाद भी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ में अगर पार्टिसिपेट नहीं करें तो हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल भी फुलफिल नहीं होगा। एक और रिसेंटली एडिड वैल्यू है एनवायरमेंटल एजुकेशन में, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव एडिड है, दैट इज़ द वैल्यू बेस्ड एक्टिविटीज़। ये सारी ही चीज़ें जब हमारे मूल्यों से जुड़ जाएंगी और एनवायरमेंटल एजुकेशन को हम एक मूल्य की तरीके से देखने लगेंगे, तो हम इसको बचपन से ही, बड़े होने पर भी और बुज़ुर्ग होने पर भी इसको ला सकते हैं, डाल सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन के स्कोप की बात अगर मैं करूं, जो कि बेसिकली रिसर्च एरिया भी होता है, वो बेसिकली रिगार्डिंग दी अवेयरनेस है, हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस में पार्टिसिपेशन है, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है और कंजर्व ऐसे करना है कि आगे भी हमारा कंजर्वेशन जो है वो कंटिन्यू रहे और वेरियस लोग उसका यूज़ कर सकें। कुछ कंपोनेंट्स बात करें अगर तो एनवायरमेंटल एजुकेशन के, सबसे सिंपल है सेंसिटिविटी। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने कोई छोटा सा पिल्ला अगर रोता हुआ सुना हो तो आप उससे परेशान हुए हों और आपने जाकर के उसको देखा हो कि वो क्यों रो रहा है। मैंने कई बार, मैंने ये आवाज़ जब भी सुनता हूँ तो मैं पहचान लेता हूँ और मैं जाता हूँ और उस पिल्ले को देखता हूँ और ढूंढता हूँ, तो मैं अमूमन देखता हूँ कि या तो वो कहीं गिरा हुआ होता है या वो फंसा हुआ होता है, और मैं उसको वहाँ से निकाल करके साफ़ सुथरी जगह पर के ला करके छोड़ता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसकी माँ उसके आसपास नहीं है तो मैं उसके लिए कुछ ऐसा प्रबंध करता हूँ जिससे कि वो कुछ देर और खुशी से रह ले। ये सेंसिटिविटी मेरे अंदर इसलिए आई है क्योंकि बचपन से ही मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया कि जो जानवर हैं वो हमारे दोस्त हैं, कभी भी उनके प्रति डर या ऐसा कि वो हमारे पास नहीं हो सकते नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है, हम लोग छोटे छोटे बीज घरों में ले करके उगाया करते थे और वो बीज कैसे उगता है ये सीखते थे। ये हमारा दूसरा कंपोनेंट हो सकता है कि नॉलेज डेवलप करना। फिर वो सीड को लगाने के बाद में हम उसका पौधा उगना देखते थे और पौधा उगना कैसे उगता है, उसको क्या क्या चीज़ें और चाहिए वो हम देते थे उसको, और जब वो उग जाता था तब हम उसको प्रोटेक्ट करते थे। ये जो प्रोटेक्शन की हैबिट है वो हमारे अंदर इस एनवायरमेंटल एजुकेशन से आ सकती है। ये जो प्रोटेक्शन है यही हमें हमारे उन पौधों को जिनको हमने लगाया है उसको सहारा देगा। और एक बार जहाँ उन पौधों को हमने ऐसे समय तक सहारा दे दिया कि वो खुद से अपना लाइफ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो हमें कभी ज़रूरत आगे नहीं पड़ेगी उनको और संभालने की। ये पौधे हमारे छोटे छोटे पेड़ हो सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, हमारे घर के आसपास के वो लोग हो सकते हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। वही हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, वही हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट भी है। अगर हम ये करते हैं और हम हैप्पी फील करते हैं तो हमारा साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी हैप्पी होता है और अच्छा होता है। एनवायरमेंटल एजुकेशन कई बार लोग पूछते हैं क्यों ज़रूरी है। मैंने कई चीज़ें आपसे डिस्कस की क्यों ज़रूरी है, लेकिन साइंटिफिकली अगर हम कहें तो एक हमें ऐसे लोगों को डेवलप करना है जिनको हमें हमारे प्रोटेक्शन को संभालना है इसकी सोच रखते हों। हमारे आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हमें संभालना है इसकी सोच रखते हों। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने इस बात का ध्यान दिया है कि वो जो गौरैया थी जो हमारे घरों में आया करती थी वो अब कम ही नहीं गायब भी हो गई हैं, और एक और
स्पीशीज़ जो बहुत पहले से हमारे घरों के आसपास हुआ करती थी, कौवा और राजगिद्ध, वो अब हमारे आसपास से गायब हो चुके हैं। हमारा बायोडाइवर्सिटी को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। कैसे स्पैरोज फिर से आ सकती हैं, कौओं को हम कैसे जिंदा रख सकते हैं, और क्योंकि राजगिद्ध अब एग्जिस्ट नहीं करते तो गिद्ध की और जो स्पीशीज हमारे पास में हैं उनको हम कैसे और संभाल सकते हैं, इस पे काम करने की ज़रूरत है। ये जो कंसर्न एंड कंजर्वेशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है एनवायरमेंटल एजुकेशन का। वी नेवर नो कि हमारे बच्चों को या हमारे जो जूनियर्स और हैं उन लोगों को वो चिड़िया, वो तितली, वो पौधे, वो सब्जियां जो हमने खाई हैं वो खाने को या देखने को मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। पता नहीं आप लोग अग्री करेंगे कि नहीं, कि कई ऐसी सब्जियां थी, कई ऐसे साग थे, कई ऐसे घास थे जो हमारे घरों में पत्थर में हुआ करती थी, हमारे पेड़ों में हुआ करती थी, जंगली बेल के रूप में हुआ करती थी, लेकिन अब वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमने उनको जंगल समझ के हटा दिया, हमें उनका मेडिसिनल इम्पोर्टेंस नहीं पता। ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है जिसका एक्सटिंक्शन शुरू हो गया है, इसको संभालना भी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन और एनवायरमेंटलिस्ट्स का होना और उन कॉमन लोग जिनके अंदर फोक विजडम हुआ करती थी उसको फिर से जागृत करना ज़रूरी है। एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है हमारा सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, जिसमें हम वो सारी एक्टिविटीज़ किया करते थे जो हमें हमारे आसपास के लोगों को बचाने और सेव करने का काम करती थी। मुझे आज भी याद है, मेरे कई दोस्तों के घर में पहली रोटी कुत्ते के लिए बनती है, एक रोटी गाय के लिए बनती है, उन सब के घर में तुलसी लगा हुआ है, रोज शाम को वहाँ दिया जलता है, लेमन ग्रास चाय वाली घास हम लोगों ने अपने घरों में लगा रखी हैं, अदरक हम लोग अपने गमलों में लगाते हैं क्योंकि मेरे पास मेरे यहाँ पे जगह भी है, तो मैंने उसको हल्दी को और अदरक को मेरे खेत में लगा रखा है, और वो तांबे के बर्तन जिसमें हम पानी रखते हैं और पीते हैं, ये सब हमारे वो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे यहाँ से बचपन से चले हुए आ रहे हैं। मैंने जितनों का नाम लिया, अगर आप ध्यान दें, अदरक, हल्दी, नींबू और नींबू वाली घास और मेटल ग्रास, ये वो सब कॉम्पोनेंट्स हैं जिसको आजकल इस सिचुएशन में हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम ही लोगों को कहा जा रहा है कि आप खाइए। क्यों? इट इज़ जस्ट बिकॉज वी हैव हैड लॉस्ट ऑल दोज हैबिट्स ऑफ यूजिंग दीज इन आर डेली लाइफ। मुझे मालूम है हम लोग में से कई लोग चाय में अदरक खाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, अदरक है हमारे पास, हल्दी हम खाते हैं हमारे पास, तुलसी हम खाते हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बी मेंटली स्ट्रांग, वी आर वेरी इम्यून, बट येस बी प्रोटेक्टिव एंड सेफ। दिस इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन दैट वी हैव टू थिंक ऑफ अबाउट इट। एक और भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एनवायरमेंटल एजुकेशन का है, वो ये है कि हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें वेस्ट के फॉर्म में निकलती हैं जिसको कैसे डिस्पोज करना है वो हमें पता नहीं होता। जैसे हमारे घर में कोई दवाइयाँ ख़राब हो जाती हैं, या कोई पट्टी या कोई चोट की दवा या डाइपर्स, आई मस्ट टेक केयर ऑफ दिस डाइपर्स, मैंने पढ़ा है कि उसको कई साल लग जाते हैं अगर आपने उसको ड्राई फायर में नहीं डाला तो। हम लोगों में से कई मामा लोग तो वो डायपर यूज़ करती हैं और पापा लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं उस डायपर को, लेकिन ट्राई टू यूज़ इट एज लीस्ट यू कैन, यूज़ द कॉटन क्लॉथ्स एज वी यूज टू यूज़ इट। ये बहुत सिंपल एग्जांपल था जिसको हमें उसका डिस्पोजल नहीं पता। प्लास्टिक्स, आई एम श्योर हम लोगों में से कई लोगों ने प्लास्टिक के झोले यूज़ करना बंद कर दिया होगा और हम कॉटन क्लॉथ बैग्स यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन तब भी छोटी मोटी सब्जी जो हम पन्नी में लेकर के आते हैं उसका क्या करते हैं? क्या हम उसको रीयूज़ करते हैं? क्या हम उसको फेंक देते हैं?
आई एम हैप्पी अगर आप लोग ये कहते हो कि हम उसको रीयूज़ करते हैं, लेकिन आप उसको कितनी बार यूज़ करते हैं? 3 बार, 4 बार, 5 बार से 10 बार। 10 बार के बाद क्या? 10 बार के बाद तो आप उसको डस्टबिन में फेंकते हैं। फिर डस्टबिन का कूड़ा कहाँ जाता है? वो बड़े डस्टबिन में जाता होगा। और बड़े डस्टबिन का कूड़ा कहाँ जाता है? वो ऐसी जगह जाता है जहाँ पे प्लास्टिक के पहाड़ होते हैं। मैंने लखनऊ में उस पहाड़ को देखना शुरू कर लिया है। गाज़ियाबाद में दिल्ली घुसने से पहले आपको वो पहाड़ दिखते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट हैव स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अबाउट यूजिंग दोज प्लास्टिक माउंटेन्स टू मेक दी रोड्स, लेकिन स्टिल दैट इज़ टू बी यूज बाय दी स्टेक होल्डर्स ऑन अ लार्जर स्केल। लेकिन तब तक ये जो प्लास्टिक है वो हमारे आसपास ही रहने वाला है। तो ट्राई टू अवॉइड एंड नॉट टू हैव इट। अब ये टेंडेंसी लाने के लिए हमें डेली नहीं, हफ्ते में ही सही, एक अभियान, डिस्कशन, बात, चुपका चुपके चेकअप करना चाहिए कि किसके यहाँ प्लास्टिक यूज़ होता है और कैसे कैसे यूज़ होता है। और हमें एक दूसरे को बताना होना चाहिए कि हमें इसको कम करना है। हम ऑल टुगेदर इमीडिएटली उसको ख़त्म नहीं कर सकते। एक और बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूँगा। हम लोग प्लास्टिक्स की बॉटल में पानी पीते हैं, प्लास्टिक्स के ग्लास में पानी पीते हैं। क्यों हमने छोड़ दिया स्टील के ग्लास में पानी पीना, मेटल के ग्लास में पानी पीना? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम आजकल हर छोटे बच्चे को स्कूल में जाते वक्त प्लास्टिक्स की बॉटल्स में पानी ले जाते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं होती है और हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे अनवांटेड ट्रैफिकिंग ऑफ दी एग्रो प्रोडक्ट्स दैट आर हजार्डस। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे खेत में मेरा माली आया और वो अपने साथ में एक 2 किलो का बड़ा सा बैग वाइट यूरिया का लेकर के आया। मैंने कहा ये क्या है? तो कहता है कि ये खाद है, इसको डालेंगे तो ये पौधा बहुत जल्दी बढ़ेगा। मैंने उसको तुरंत वहीं रोका। मैंने उसको बोला तुम इसको जहाँ से लाए हो उसको वापस करो और ग्रीन खाद लेकर के आओ। मैं उसके साथ गया, मैंने उसको वापस किया और मैं ग्रीन खाद, ग्रीन मैन्योर लेकर के आया। हम लोग जानते ही नहीं कि हमारे घर से जो डिटर्जेंट वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है वो हम कितना कम से कम डालें या ऑप्टिमम डालें जिससे कि हमारे कपड़े धुल जाएं और हमारा पानी भी कम यूज़ हो और वो जो वाटर है वो भी हमारे सॉइल को बहुत ज़्यादा प्रदूषित नहीं करें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि हर्बिसाइड्स जो हम लोग अब यूज़ करने लगे हैं, लेकिन इससे पहले हम कुछ ऐसे वीडिसाइड्स यूज़ करते थे, ऐसे इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं जो सही नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें हमारे खेती में, हमारे पौधों में उसको संभालने के लिए यूज़ करना है तो हम उसको यूज़ करते रहते हैं। ट्राई टू नॉट टू यूज़ इट एंड इंस्टेड यू हैव नाउ हर्बल इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बल पेस्टिसाइड्स। और इसके अलावा मैं और एक और स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ कि आपके घर का जितना भी ग्रीन वेस्ट है उसको आप अपने घर में ही एक गड्ढा खोद करके उसमें डालें और उससे जो खाद बनती है उसको आप अपने घरों में यूज़ करें। अगर ज़मीन नहीं है तो कोई एक बड़ा गमला ख़रीद लें, उस गमले में ही उसको डालें और उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दें और जब वो सड़ जाए तब आप उसको खाद की तरह यूज़ करें। बेसिकली होता क्या है कि हम जब नोइंगली और अननोइंगली ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जिसमें ऐसे कंटेमिनेटेड और हैजार्डस टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हमारे को ही नहीं, हमारे आसपास को, हमारे पौधों को, हमारे एनवायरनमेंट को, सबको डिटेरिएट करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है कि हमें इसको यूज़ नहीं करना है। लेट अस टॉक अबाउट सम वेरी क्रूशियल थिंग्स विच आर नाउ बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड कंसिडरेशंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। द फर्स्ट वन इज़ द क्लाइमेट चेंज। आपने शिफ्टिंग वेदर पैटर्न्स देखे होंगे इधर बीच। जब पानी नहीं बरसना होता है तब पानी बरस रहा होता है, जब गर्मी होनी होती है तब बर्फ़ गिर रही होती हैं। मैंने तो इधर बीच इस साल बारिश ही बारिश देखी और गर्मी बहुत कम देखी, जिसके कारण से आपको भी पता होगा कि कई हमारे किसानों को कितना नुकसान
उठाना पड़ा। ये जो क्लाइमेट चेंज है, जो एक वेदर पैटर्न का चेंज है, शिफ्ट है, वो बेसिकली एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ही है। एक बहुत ही हिडन आइडिया भी है जो साइंटिस्ट्स बहुत मुश्किल से समझा पा रहे हैं लोगों को, वो ये है कि हमारे यहाँ के पेड़ों को, हमारे यहाँ के क्रॉप्स को, हमारे यहाँ के फ्लावर्स को खिलने के लिए, पकने के लिए, बनने के लिए और फर्टाइल होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी, पर्टिकुलर वार्मथ की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज ऐसे ही होता रहा तो मे बी पॉसिबल इन द कमिंग टाइम्स, और ये होना भी शुरू हो गया है कि हमारे यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं, जो फ्रूटिंग कर रहे हैं, उनकी फ्रूटिंग तो हो लेकिन यील्डिंग ना हो। फल तो लगेंगे लेकिन वो फल झड़ जाएंगे या गिर जाएंगे। हो सकता है फूल भी लगें लेकिन उसमें फल ना लगें। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हमारे फ्रूट बिजनेसमैन्स के लिए। ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है हम सब के लिए जो कंज्यूमर्स हैं इन सब के, और हमें हायर रेट्स में इन सब चीज़ों को ख़रीदना पड़ेगा। जिनके पास सिचुएशंस हैं वो तो कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन जो कंज्यूम भी कर रहे होंगे चीज़ें, वो स्टॉक्ड होंगी, वो स्टोर्ड होंगी, वो लेस ऑफ न्यूट्रिशन होंगी। आई होप आप ये पॉइंट समझ पाए होंगे। एनिमल्स की ब्रीडिंग के लिए टेम्परेचर्स की बहुत ज़रूरत होती है, एग्स के हैचिंग के लिए टेम्परेचर्स की बहुत ज़रूरत होती है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा जो इधर बीच हुआ, सी बीचेस पे टर्टल्स ने आकर के बहुत सारे एग हैच किए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि इधर बीच जो पैंडेमिक आया तो लोग बीचेस पे नहीं गए और बीच खाली हो गई। उनको एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर भी मिला जहाँ पे उन्होंने आकर के बहुत सारे अंडों को ले किया और फिर वो वहाँ से चले गए। ये एक पॉजिटिव साइन था कि अगर हम हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लें, चेंज कर लें, तो शायद एनवायरनमेंट खुद से हमें एम्ब्रेस करेगी पॉजिटिव के तरीके से। सेकेंड वन इशू दैट वी कैन थिंक ऑफ अबाउट द कंटिन्यूअस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे शेयर करूंगा। आप लोगों ने देखा भी होगा ऐसा, आप जब हाईवे से या पुरानी सड़कों से ट्रैवल करते हैं तो उन सड़कों के अगल बगल डार्क कलर्ड स्टैग्नेंट वाटर दिखता होगा, गाढ़ा काला पानी, और उस गाढ़े काले पानी के आसपास आपको थोड़ी सी दलदली मिट्टी दिखती होगी। बेसिकली दे आर दी वेट लैंड्स जो कि धीमे धीमे रोड कंस्ट्रक्शन के कारण से कम होते चले जा रहे हैं। और आपको मैं एग्जांपल दूं, हमारा जो सारस है, वो सारस का एग हैचिंग वेट लैंड्स में सबसे बेस्ट होता है, और वो उसका एक जगह है जहाँ पे वो एग हैच करते हैं। जैसे जैसे वेट लैंड्स, दलदली ज़मीन, मिट्टी कम होती चली जा रही है, हम हमारा ह्यूमन हैबिटेट्स उसकी तरफ बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो वो एरिया सिमटता चला जा रहा है, और हमारे ऐसे बर्ड्स जो उन्हीं कंडीशंस में अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं, वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, दी डिग्रेडेशन ऑफ द स्मॉल पॉन्ड्स, छोटे तालाब अब बहुत कम होते चले जा रहे हैं और सूखते चले जा रहे हैं। शहरों में तो ख़ास तौर पे ये नहीं दिखता, लेकिन शहरों से जब आप बाहर जाते हुए देखें तो आपको ये ज़रूर दिखते होंगे। लेकिन इसमें भी लोग मिट्टी डाल रहे हैं और उसको हैबिटेशन के लिए यूज़ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिनके वो तालाब हैं उनको उस तालाब का और बेहतर यूज़ कैसे किया जा सकता है ये बताने की ज़रूरत है। इनके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं जिससे कि वो रेकरिंग प्रॉफिट के साथ में उस एक पॉन्ड का रीयूज़ कर सकते हैं। एक मैंने आपसे बात अभी बताई थी कि हम लोगों को
हमारे बढ़ते हुए पॉपुलेशन से पर यूनिट एरिया पे प्रोडक्शन बढ़ाने का एक डिमांड है। जब इस पर यूनिट एरिया के डिमांड को बढ़ाने की बात होती है तो हमारे ऊपर एक प्रेशर आता है कि हमें क्रॉपिंग अगेन एंड अगेन करनी है। एक ही जगह पे कम समय में एक से ज़्यादा बार ज़मीन पे जब हम खेती करते हैं वो इंटेंसिव फार्मिंग कहलाता है। वो इंटेंसिव फार्मिंग बेसिकली सॉइल की फर्टिलिटी को कंटिन्यूसली कम करता चलता है। हम जो एक पहले एक प्रोसेस हुआ करता था झूमिंग, कि हम बचे हुए पौधों को जला करके खेत में छोड़ दिया करते थे और वो फिर से खाद में कन्वर्ट होकर ज़मीन में मिल जाया करता था और फिर हम ज़मीन को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया करते थे, एंड दैट वॉज कॉल्ड द फैलोइंग ऑफ लैंड, इज नॉट इन टू द हैबिट और इन द प्रैक्टिस। इट इज़ जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट मल्टीपल क्रॉप्स एंड मल्टी लेवल क्रॉप्स फ्रॉम द सेम लैंड ड्यू टू द डिमांड ऑफ मोर सप्लाई ऑफ सीरियल्स एंड फूड्स। ये इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट डाल करके उससे भी ज़्यादा आउटपुट निकालने के लिए प्रेशराइज कर रहा है, एंड दिस इज समथिंग दैट इज़ टू बी टेकन इन टू अकाउंट बाई एनवायरमेंटलिस्ट एंड द लोकल पीपल्स, कि हमें अगर ये कम करना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। न्यूक्लियर इश्यूज हम लोग लोकल लेवल पे तो बिल्कुल फील नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हमारे घरों में बहुत फ्रिक्वेंटली निकलते हैं, जैसे कि प्रिंटर्स से निकला हुआ वेस्ट ड्राई इंक, सेल्स जो पुराने हो जाते हैं उनको हम फेंक देते हैं, हेयर कलर डाई वेस्ट, दीज आर ऑल दोज थिंग्स दैट आर रियली वेरी हजार्डस, बट दे आर इन आर एनवायरमेंट फॉर विच वी हैव टू टॉक ऑन एंड वी हैव टू थिंक ऑफ हाउ टू डिक्रीज इट। एक जो पॉपुलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं उस पर थोड़ा सा और डिस्कशन करने की ज़रूरत है, वो एक हमारा एनवायरमेंटल इशू है, क्योंकि उसके ही प्रेशर के कारण से है। उसके कई कारण हैं, बेसिकली इंक्रीज इन द बर्थ रेट, डिक्रीज इन द मोर्टैलिटी रेट, और एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों का माइग्रेट करना। कुछ जगहों पे आपको बहुत कम लोग रहते हुए दिखेंगे और कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा लोग एक ही यूनिट एरिया में रहते हुए मिल रहे हैं। अब जैसे ही किसी एक जगह पे बहुत सारे लोग आते हैं तो उस जगह पे एक जो कैरिंग कैपेसिटी का प्रेशर है वो बढ़ जाता है और चांसेस ऑफ स्टार्वेशन बढ़ जाते हैं। चांसेस ऑफ स्टार्वेशन मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम जब खाना बांटने जाते हैं ज़रूरतमंदों को, तो खाना हमारे पास में अगर उतना नहीं होता है जितने लोग होते हैं तो ये बाउंड है उनमें से कई लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। इधर बीच जो सिचुएशंस हुई हैं वहाँ पे कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि जो लोग हैं वो स्टार्व कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन इन अ पर यूनिट एरिया। लेट अस टॉक अबाउट वॉट वी कैन डू एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। प्राइमरी लेवल पे या छोटे बच्चों के साथ में जो हम लोगों को कोशिश करना है वो अवेयरनेस, आइडेंटिफिकेशन और वैल्यू इनकल्केशन। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैं मेरी भतीजी को गोदी में उठा करके मेरी घर की मुर्गी के पास में लेके गया। वो उससे डर रही थी क्योंकि इससे पहले किसी ने उसका पाला मुर्गी से नहीं कराया था। मैं उसको लेकर के गया, बहुत देर तक मुर्गी के बगल में उसको लेकर के बैठा रहा, फिर मैंने उसको समझाया कि उससे उसको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और मैंने बाद में फिर वीडियो भी बनाया उसके साथ में जहाँ पे उसने उस मुर्गी को छुआ और खुश हुई। ये एक वो सिंपल स्टेप था जो मैंने उसके अंदर जानवरों के प्रति प्रेम को डेवलप करने के लिए उठाया। दिस इज़ वॉट वी कैन डू। मैं मेरे आसपास के जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनको लेकर के, अपने आसपास के जितने भी पेड़ होते हैं उनको ले जा करके दिखाता हूँ कि ये कौन सा पेड़ है देखो, ये कौन सी सब्ज़ी लगी है देखो, ये कौन सा फल लगा है देखो। दिस इज़ समथिंग वॉट
वी कैन डू विद दी स्मॉल टॉडलर्स एंड एट द प्राइमरी लेवल. आइडेंटिफिकेशन कराना, उनका क्या यूज़ है, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, ये प्राइमरी लेवल पे किया जा सकता है. सेकेंडरी लेवल पे हमारे लाइफ में एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स के क्या इम्पोर्टेंस है ये समझाना बहुत ज़रूरी है. उसको अगर हमें नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जैसे ही हम उनको ये बताएंगे तो वो पार्टिसिपेशन करना शुरू करेंगे. एंड क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चे इतने बड़े हो चुके होते हैं कि वो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो एक्टिव होकर के इन सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं. एक्टिविटीज़ लाइक एनवायरमेंटल एम्बेसडर्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम दैट आर बीइंग कंडक्टेड बाय वेरियस एनजीओज व्हिच आर वर्किंग फॉर एनवायरमेंट लाइक सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड मेनी मोर, दे यू ऑल एज अ टीचर कैन मेक देम टू पार्टिसिपेट इन टू इट. इधर बीच तो ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी एनवायरमेंटल क्विजेज भी आई जो 5th of June को बहुत सारे लोगों ने डेवलप किया, एंड दैट वॉज रियली वेरी गुड. दैट वॉज अ स्टेप दैट वॉज इन टू द आइडिया ऑफ डेवलपिंग द अवेयरनेस एंड नॉलेज. बस क्योंकि वो ऑनलाइन होती हैं तो हम उनमें पार्टिसिपेशन और स्किल की बात नहीं रख पाते हैं, हमें उस पर थोड़ा सा काम करना है. और UG एंड PG लेवल पे हमें हमारे साथियों को कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पे काम करने का सिखाना होना चाहिए. कंजर्वेशन एज वेल एज द यूसेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे काम करने का प्रैक्टिस करना होना चाहिए. यू वोंट बिलीव, आई हैव सीन इन स्कूल स्कूल कांग्रेस इन साइंस कांग्रेस द स्कूल स्टूडेंट्स एंड द कॉलेज स्टूडेंट्स कम आउट विद सो मेनी गुड आइडियाज दिस that if they can be used in common life and if they can be used by the stakeholders, it would definitely prevent many more problems. और higher education में हमें basically हमारे curriculum को लेकर के हमारे policy making को लेकर के काम करने की ज़रूरत है कि जिससे हमारे जो environmental issues हैं, environmental policies हैं, वो sustainable growth की तरफ आगे बढ़े. This is something that is very important. एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए बेसिकली दो अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं. बेसिकली दो अप्रोचेस भी एक पार्ट है इन्फ्यूजन, उसको ही फॉलो करती हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं. एक तो एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स को दूसरे सब्जेक्ट्स में मिलाना या दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपोनेंट्स को एनवायरमेंटल एजुकेशन में मिलाना. 2003 में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद से फॉर दी लोअर लेवल वी हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड EVS जिसमें हमने सोशल साइंसेस, साइंसेस और एनवायरमेंटल एजुकेशन के कंपोनेंट्स को मिला करके एक सब्जेक्ट बना दिया है, जहां पे बच्चों को ये सारे ही सब्जेक्ट्स इन्फ्यूज्ड फॉर्म में दी जा रही हैं. हायर लेवल पे एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स में इनकॉर्पोरेट और इंटीग्रेट किया गया है. जैसे कि आप अगर मैथ्स की बुक देखें तो उसमें अब जो एग्जांपल्स आपको दिखते हैं वो फ्लावर्स के, फ्रूट्स के ऐसे दिखते हैं. सिमिलरली विद दी ऑर्डर ऑफ दी UGC वी हैव अ कोर सिलेबस, दी कॉमन सिलेबस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन दैट कैन बी यूज्ड बाय दी यूनिवर्सिटीज. और many of our universities have environmental education as one of the paper, compulsory paper to be passed by the graduates. लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वो एग्ज़ाम तो पास कर लेते हैं लेकिन जो बेसिक आइडिया या विजन या जो मंशा है इस पेपर के लिए वो ये है कि हमारा यूथ जो है वो environmental activities में participate करे. यूथ को ही हम क्यों हमेशा टारगेट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम लोग एजुकेशन सिस्टम में हैं. लेकिन यूथ हमारा टॉर्च बेरर हो सकता है सोसाइटी में जाकर के यूथ्स के अलावा लोगों को अवेयर करने के लिए और उनको पार्टिसिपेशन में लाने के लिए. दे आर वेरी एक्टिव पर्सन्स एंड दे कैन हेल्प अस टू लीड द एनवायरमेंटल फाइट. जो दो टर्म हमने यूज़ किए थे, दो तरीके यूज़ किए थे रादर, कि हम कैसे एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स को हमारे सब्जेक्ट्स में या हमारे सब्जेक्ट्स के कंपोनेंट्स को एनवायरमेंट में ले जाते हैं, उसको बेसिकली
हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत एनवायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ते हैं। आज हमारे सामने एनवायरमेंटल एजुकेशन के ये दोनों ही अप्रोचेस अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइफ साइंसेज, वोकेशनल स्टडीज़, फिजिकल साइंसेज, अर्थ साइंसेज एंड मैनी मोर। लेट अस टॉक अबाउट टीचर्स क्या कर सकते हैं। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, हम सब ये कर सकते हैं। बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, अपने आसपास के लोगों में इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। मैंने जैसे ही इस टॉपिक के लिए ऑर्गेनाइज़र सर को बोला, उन्होंने बोला हाँ आज तक किसी ने इसको नहीं लिया, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ये टॉपिक ऐसा है जिसको किसी ने आज तक टच नहीं किया या किसी ने डिस्कस नहीं किया या नहीं करना चाहता, या ये ऐसा टॉपिक है जिसको सब लोग जानते हैं लेकिन इस पर क्यों नहीं हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्यों नहीं हम लोग डिस्कशंस करते हैं, क्यों नहीं हम लोग इसको एक कैंपेन की तरीके से शुरू करते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर आर एनवायरमेंट। ये तब हो सकता है जब इंटरेस्ट से होगा। आज मैं जो आपके साथ में कर रहा हूँ वो इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ, अवेयरनेस डेवलप कर रहा हूँ। आप अपने आसपास ये चीज़ें देखिए, ढूंढिए और कीजिए। अब जैसे ही आप ढूंढेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन प्रॉब्लम्स की सिचुएशंस को आपको ढूंढना है और ढूंढने के बाद में उनके सॉल्यूशंस को कोशिश करना है कि ढूंढें। फिर इसके बाद में अब इधर बीच तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब पर भी आप जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उनको अपने बच्चों के साथ में शेयर करें। दे आर बेसिकली दी अरेंजिंग दी विजिट्स फॉर दी स्टूडेंट्स। व्हेन यू टेक योर चाइल्ड टू दी फील्ड विजिट्स, ही हैज़ कन्फ्रंटेशंस टू दी एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड ही आस्क्स यू क्वेश्चन, पापा ये क्या है, सर ये क्या है, मामा ये क्या है, इतना बड़ा हाथी है, ये कौन सा जानवर है। जब वो जैसे जैसे नई नई चीज़ों को देखेगा और सुनेगा और समझेगा, वो वैसे वैसे ही उन सब चीज़ों के पास आएगा और उसके अंदर वो चीज़ें हमेशा वैल्यूज़ के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। अब हम जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास यूज़ करते हैं उसमें कोशिश करके हम हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियंस कोशिश करें कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। प्लास्टिक की बॉटल अवॉइड करें, प्लास्टिक मैट्स अवॉइड करें। अब तो हम एक ऐसे डिसीजन पे भी जा रहे हैं जहाँ पे हम बाहर से आने वाले ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे लिए हैज़ार्डस हैं हम उनको यूज़ ना करें। इसके अलावा हम हमारे आसपास के लोगों को कह सकते हैं कि वो डिस्कशन करें कि कैसे हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। अब इसके लिए आपको किसी टीचर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे उन दादा दादी, नाना नानी जो हमारे घरों में हम लोगों को एनवायरनमेंट फ्रेंडली कहानियाँ सुनाया करते थे उनको ही कह सकते हैं कि बच्चों के साथ में ये चीज़ शेयर करें। इसके अलावा आप लोकल पीपल जो खेती का काम करते हैं, जिन्होंने नई खेत लगाई हुई है, आप उनके खेत तक अपने आप को ले जा सकते हैं, बच्चों को ले जा सकते हैं, दिखा सकते हैं। मैं तो मेरे साथियों के साथ में अपनी सब्जियां और अपने फल शेयर करता हूं और दिखाता हूं और वो भी अपने फूल और फल मुझे शेयर करते हैं और मैं उनसे पूछता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छा फूल कैसे उगाया और कैसे मैं उगा रहा हूं। तो दिस इज़ बेसिकली द शेयरिंग ऑफ आइडिया एंड दिस इज़ द कम्युनिटी ऑफ इंक्वायरी व्हेन पीपल्स कम टुगेदर एंड टॉक अबाउट दिस थिंग्स। ओके, we may talk about some of the discussions and debates wherein whether we should go for a particular thing, buying of a particular thing, going for a design of learning or not. kai log aisa kehte hain ki environment mein hum padhai karke aage kya kar sakte hain, unke liye mere paas kuch aise careers hain jisko environment mein padhai karne ke baad mein ya environment education ki padhai karne ke baad mein परस्यू किया जा सकता है। सबसे पहला तो है एग्रीकल्चर। पता नहीं क्यों वो लोग जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके पेरेंट्स खेती करते हैं, वो खेती नहीं करना चाहते। ठीक है, आप अगर खेती नहीं करना चाहते, आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनिए, आप एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर बनिए। आप आपके यहाँ जो खेती होती है उसको ऐसी जगहों तक ले जाइए जहाँ पर लोग आपकी खेती को जाने। वाई नॉट गोइंग टू एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज द सीड एनालिस्ट। आप अच्छे उन्नत किस्म के बीजों को ढूंढ सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, उनकी पैदावार कर सकते हैं, आप उसको सेल ऑफ कर सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स,
सीड एनालिस्ट में ही एम्ब्रियोलॉजिस्ट के भी काम होते हैं, जिसमें आप अच्छे एम्ब्रियोज़ को डेवलप करते हैं। जब हम इंटेंसिव फार्मिंग की बात करते हैं, हम जब हायर ईल्डिंग सीड्स की बात करते हैं, वहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट की करियर्स भी हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन में काम करने के लिए। यू कैन ऑल्सो वर्क अप एज एन इकोलॉजिस्ट। इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़ कंसल्टिंग दी वेरिएशंस इन दी वेदर फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, एंड वी हैव दी डाइवर्स कंटिन्यूम ऑफ दिस इकोलॉजी एंड दी टेम्परेचर्स, एंड हेंस दे कैन बी यू नो डिफरेंट इकोलॉजिस्ट इन डिफरेंट एरियाज टू वर्क ऑन। यू मे वर्क एज द केमिकल साइंटिस्ट फॉर ऑल दोज केमिकल्स दैट आर बींग यूज बाई पीपल्स ऑल अराउंड एंड इज बींग यू नो एमिटेड एंड इन्फ्लुएंस्ड इन टू दी सोसाइटी। यू मे ऑल्सो वर्क एज सॉयल एनालिस्ट, जमीन का एनालिसिस, मृदा विश्लेषक बन सकते हैं आप, जहाँ पे आप किस मिट्टी में कौन सी खेती की जा सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा उपजाऊ हो सकती है, आप क्यों नहीं ये काम कर सकते हैं। आप मरीन बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, वेर इन यू कैन हैव फिशेस एंड सी लाइफ एज योर करियर, एंड यू नो 70% ऑफ द अर्थ इज एक्चुअली कवर्ड विद द सी वाटर, हेंस यू हैव द स्काई ओपन टू वर्क फॉर एज मरीन बायोलॉजिस्ट। यू कैन वर्क एज ओशनोग्राफिक रीडर। अभी कुछ दिनों पहले जो तूफान आया, उस तूफान की जानकारी हम लोगों को पहले से पड़ गई थी। ये जो फोरकास्टिंग है, ये ओशनोग्राफिक रीडर्स, ओशनोग्राफिक एनालिस्ट ही करते हैं। और जैसे जैसे हमारे पास हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, तो हम ये डिसीजंस और अच्छा कर पा रहे हैं। एक और भी फील्ड इधर बीच बहुत आगे बढ़ रही है, दैट इज़ द एनवायरमेंटल मैथमेटिशियंस। हमारे एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हमारे पास कई ऐसे एनालिस्ट हैं जो डिस्कशंस और डिबेट्स और ग्राफ्स और मैथमेटिकल एनालिसिस दे रहे हैं। मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ में, जब कोरोना पैंडेमिक आया, तो एक मैथमेटिकल एनालिसिस भी आई थी हम लोगों के पास में, कि अगर ये हाइप है, ये प्लेटो है, तो इतना टाइम और इतने केसेस होंगे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, एंड इट विल टेक दिस मच ऑफ टाइम। उसमें मैथमेटिकल इक्वेशन था, बट दैट वॉज एन एनवायरमेंटल मैथमेटिकल स्टैटिकल एनालिसिस, एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एनचांटिंग इफ यू कैन वर्क अपॉन। एंड द लास्ट वन इज एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। क्यों नहीं हम सब लोग सोचें हमारे उस पर्यावरण के लिए जिसमें हम रह रहे हैं। कुछ एरियाज में आपसे शेयर करके फिर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। प्राइमरी लेवल पे हम उन एरियाज पे स्टडी करें जहाँ पे हम कैसे बच्चों की सोच को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं, कैसे उनके अंदर एनवायरमेंटल वैल्यू इनकलकेशन कर सकते हैं। सेकेंडरी लेवल पे पार्टिसिपेशन बच्चों का किन चीज़ों में ज़्यादा होता है और क्यों होता है, जिस अगर हमें ये पता चल जाएगा और तो हम हमारी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ को उसी हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। हायर एजुकेशन को पॉलिसी ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑफ इंडिया पे काम करने की ज़रूरत है, और टीचर एजुकेशन को अब काम करने की ज़रूरत है, कैसे हमारे करिकुलम रिफॉर्म हो जिससे कि हमारे एनवायरमेंटल एजुकेशन कॉम्पोनेंट्स और इन्ग्रीडियंट्स को हम हमारे सिलेबस में ला पाएँ। आई एम श्योर आई हैव टेकन नॉट मच टाइम, इट इज़ स्टिल 4:02, बट टाइम इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। आई होप मैं आपके अंदर कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ को रेज़ कर पाया, कुछ नई बातें, कुछ पुरानी बातों को फिर से दोहरा पाया। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं आप लोगों के साथ में होता और मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखा पाता, जहाँ पे चिड़िया घोंसले को ढूंढ रही है, माँ बच्चों को ढूंढ रहे हैं, खेत खेती को ढूंढ रहा है, फूल खुशबू को ढूंढ रहे हैं, हम साथियों को ढूंढ रहे हैं, हम सब परेशान भी हैं खुश भी हैं, बस इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। हमारा सोशल एनवायरनमेंट, हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट ऐसे ही बना रहे, हम लोग ऐसे ही आपस में बात करते रहें,
जो कुछ भी हमें पता है आपस में शेयर करते रहें और आगे बढ़ते रहें। पढ़े इंडिया, बढ़े इंडिया में मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू सो मच।